बाजारों के और हमारे बाजारों के जाने माने विशेषज्ञ बग्गा साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। बग्गा साहब स्वागत है सर, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो ये कल जो बड़ा उतार चढ़ाव हुआ एक नंबर से दो नंबर वाला, ये एलन मस्क साहब पहले नंबर पे नहीं रहे बिटकॉइन के चक्कर में, तो पहले तो मुझे इस पर आपकी विशेष टिप्पणी चाहिए। ये जो हमारी कहावत है ना अनिल जी, अपने पैर पे कुल्हाड़ी आप मारना, हाँ। तो इन्होंने अभी ट्वीट किया कल। नहीं सर, नहीं सर इन्होंने है ना सर, इन्होंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारी, इन्होंने तो कुल्हाड़ी नीचे रख के उस पे डांस किया है और ये थोड़े से इनका दिमाग ऐसा है क्योंकि पहले भी इनको जो उनका सेबी है एससीसी से वार्निंग मिल चुकी है, क्योंकि अगर किसी और देश में होते तो ये जेल में होते। जिस तरह से इन्होंने अपने स्टॉक को चलाया है सोशल मीडिया पे, एक बार इन्होंने कहा कि सऊदी अरेबिया के साथ मैं बात कर रहा हूँ और हम प्राइवेट ले जाएंगे कंपनी को, तो शेयर प्राइस भाग गई जब शेयर इतना नहीं चल रहा था। किसी और देश में इसको इनसाइडर ट्रेडिंग माना जाता। सेम वे ये मजा लेते हैं, कभी कहते हैं बिटकॉइन बहुत अच्छा है तो बिटकॉइन ऊपर भाग जाता है। वो डॉगी कॉइन जो है, पिछली बारी हम बात कर रहे थे, उसका ये ट्वीट करते हैं तो वो ऊपर भाग जाता है। तो अब इन्होंने कहा कि बिटकॉइन मुझे ओवर वैल्यूड लग रहा है, और इनके पास $1.5 बिलियन का बिटकॉइन था जो कि लगभग 2.5 बिलियन की कीमत हो चुकी की वैल्यू हो चुकी होगी। तो मार्केट ने इसको सराहा नहीं, बिटकॉइन भी गिरा और उसके साथ इनकी कंपनी के शेयर भी गिरे। बट ओवरऑल आप देखें तो अनिल जी, बिग टेक में थोड़ा सा सेल ऑफ है और उसकी जो बिग जो बड़ी आप कह सकते हैं कि कॉज है कि अभी जो दो साल पहले हम कहते थे यील्ड इन्वर्शन हो रहा है, इन्वर्टेड यील्ड कर्व हो रहा है, मतलब कि उल्टा यील्ड कर्व चल रहा है। छोटे अवधि के बॉन्ड्स ज्यादा महंगे हैं और लंबी अवधि के ज्यादा सस्ते हैं, ये दिखाता है कि रिसेशन आ रहा है। ये दो साल पहले हुआ था, अब क्या हो रहा है, स्टीपनिंग हो रहा है। तो पहले रिवर्शन था, अब स्टीपनिंग हो रहा है। स्टीपनिंग में क्या है कि छोटी अवधि के बॉन्ड तो अभी भी सस्ते हैं, लंबी अवधि के बॉन्ड की यील्ड बढ़ती जा रही है। तो यील्ड बढ़ने से ये दिखा रहा है कि बड़ी दमदार ग्रोथ आने वाली है इकोनॉमी में, बट उस ग्रोथ के साथ क्या इन्फ्लेशन आएगी, क्या इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे, इंटरेस्ट रेट थोड़े बढ़े भी हैं, तो ये चलते हुए मार्केट में एक ठहराव आया था। बट ये फेड के चेयरमैन पावल का कल वक्तव्य था, उनकी राज्यसभा के सामने, सेनेट के सामने उन्होंने कहा कि अभी हमें नहीं लगता कि टाइम आया है कि हम अपना स्टिमुलस बंद करें, अभी बहुत दूर जाना है और रिकवरी सेकेंड हाफ में आएगी रिकवरी, बट हमें देखना है कि पूरी इम्प्लॉयमेंट आए। अनएम्प्लॉयमेंट कम करने के सामने हम इम्प्लॉयमेंट बढ़ाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने नौकरी ढूंढनी बंद कर दी है, तो उन सबको भी इम्प्लॉयमेंट में लाएंगे, तब हम देखेंगे इंटरेस्ट रेट्स को। तो अभी इंटरेस्ट रेट्स नीचे ही रहेंगे, उसके बाद दमदार रिकवरी आई यूएस मार्केट्स में। डाउ जो 390 पॉइंट डाउन था वो पॉजिटिव में बंद हुआ। नैस्टैक जो लगभग 4% डाउन था वो केवल 0.5% नीचे बंद हुआ। तो उसके बाद उनके वक्तव्य के बाद बहुत तेज रिकवरी आई मार्केट में। जी अनिल, okay, तो ये आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन अमेरिका का रहा। कुछ और इंटरेस्टिंग मुद्दों पर हम बात करेंगे थोड़ी देर में बग्गा साहब से, लेकिन आइए 10 की कमाई में अविनाश जी बता रहे हैं एकदम परफेक्ट स्टॉक है ये आपके लिए पोर्टफोलियो में होने लायक। बिटकॉइन बढ़ गया 5%, अभी बग्गा साहब बात कर रहे थे तभी बग्गा साहब आपके बोलने से बिटकॉइन 5% बढ़ा है सर, 6% ऊपर। ये आपकी इनायतें हैं, कुछ नहीं है सर, देखो बात करते करते ऐसे भागे जा रहे हैं, 6% ऊपर हो गया, $50,760 गजब, क्या बिटकॉइन ही है बस, मतलब वापस जिंदगी में कभी ऐसी करेंसी देखने को मिलेगी नहीं, है ना, ना भूतो ना भविष्य थे। बिल्कुल सर, पहले भी कभी ऐसी कोई करेंसी आई है जो इस तरह से ऊपर नीचे हो बग्गा साहब? हाँ, ये एक देखिए, ये जो मेनिया होता है, तो जैसे ट्यूलिप्स का मेनिया था हॉलैंड में, वो जो एक फ्लावर होता है ट्यूलिप, अब इंडियन नाम तो मुझे पता नहीं, तो वो उगते हैं थोड़े थोड़े, और ये प्लेग चल रहा था तो सब लोग घर पे थे,
तो युवकों ने कहा आप क्या खरीदा जाए, तो ये ट्यूलिप के ऊपर लगने लग गई बोली, और ये बढ़ते थे, रोज बढ़ते थे, वो ट्यूलिप मेनिया कहते हैं। ऐसे ही साउथ सी बबल था जिसमें आइजैक न्यूटन के बहुत पैसे डूबे थे, और उन्होंने कहा था मैं तारों का तो गिनती कर सकता हूँ बट स्टॉक मार्केट नहीं कर सकता। और साउथ सी बबल क्या था अनिल जी, ये पैसे इकट्ठे कर रहे थे कि हम जाके माइनिंग करेंगे नए देशों में, अमेरिका जैसे, साउथ अमेरिका में, साउथ सी के लिए, और कुछ भी नहीं था उस कंपनी में, वो पैसे इकट्ठे करते रहते थे और वो बहुत बढ़ गया बबल। एक बारी न्यूटन ने पैसे बनाए, उनके पैसे 4-5 गुना हो गए और वो निकल आए। फिर उनको एक बारी फिर से लालच आ गया, जब और बढ़ता गया फिर वो घुसे और वो जीरो हो गया, तो काफी उनके पैसे उसमें डूबे। और सर आइजैक न्यूटन जो सबसे फेमस आप कह सकते हैं साइंटिस्ट थे अपने टाइम के, तो साउथ सी बबल और ट्यूलिप ऐसा है। बिटकॉइन में भी कुछ है नहीं, कुछ बैकिंग नहीं है, सॉफ्टवेयर है। अब ये कहां जाएगा, क्या होगा, ये इसी पे निर्भर है कि सेंटिमेंट बना रहे। अगर लोग खरीदते रहेंगे तो एक वो है हेज फंड है ARK करके, आर्क, उसकी बहुत बड़ी पोजीशन है, और उसकी पोजीशन में ऐसे ऐसे शेयर हैं जो लिक्विडिटी कम है जिनकी। अब वो शेयर गिरने लग गए थे पिछले दो दिनों से, लग रहा था ARK फंड शायद लिक्विडेशन में आ जाएगा, टेस्ला भी था उसके पास बहुत, था बिटकॉइन भी था। तो कल जो निष्कर्ष निकल के आया, जो बिटकॉइन में रिकवरी हुई, कि कैथी वुड जो है ARK, उन्होंने शायद बिटकॉइन खरीदा है। तो कोई खरीदता रहेगा, पोंजी स्कीम चलती है। बिटकॉइन पोंजी है कि नहीं मैं नहीं कह सकता, बट मैं तो नहीं डाल सकता पैसे, वैसे भी हिंदुस्तान में हम नहीं डाल सकते, बट मैं नहीं कहूंगा किसी को डालने के लिए, क्योंकि अंदर कुछ नहीं है, ये सेंटिमेंट पे है। अगर सामने कोई खरीदता रहेगा तो बढ़ता रहेगा, नहीं खरीदेगा तो गिर जाएगा। तो ये है आपके लिए बिटकॉइन पर बड़ा एक्शन होता हुआ। आइए 10 की कमाई में, अब वक्त है आपके लिए लेने का। अनिल जी तो 130 फिर